जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, दीशान अली टूरिस्ट मेंटोर चैनल से आज एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज मैं मल्डोवा के कैपिटल इस नाव में हूँ, जैसे आप ये पीछे देख सकते हो, ये अभी तो मैं कहीं पे जाके बैठ के वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों वीडियो में अभी क्या बनाऊं मल्डोवा में, ये देखें बारिश जो है वो बारिश 3 दिन से ऐसे ही हो रही है, तो मैं तो घर में कैद हूँ। तो आज मैं चला जाऊंगा वापस, तो बैठ के कहीं पे बात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ीशान अली टूरिस्ट मेंटोर चैनल से आज एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों सबसे पहले आपको ईद उल अज़हा मुबारक हो। दूसरा, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 2 दिन के लिए मल्डोवा जाऊंगा और वहां से जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आ सकता था मैं लेके आया हूं। वीडियो मैंने वहां पे डाउनटाउन की नहीं बना सका, उसकी वजह थी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए मैं टाउन में तो इतना ज़्यादा गया नहीं। तो मुझे मैंने रिक्रूटमेंट कंपनी और वहाँ पर रिक्रूटमेंट जो कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं नॉन ईयू नेशनल को, वहाँ पर गया था, सॉलिसिटर से मिला, कॉलेजेस में गया, यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी में गया। तो बस 2 दिन का मेरे पास टाइम था, मेरा टूर बहुत छोटा था, इस वजह से मैं ज़्यादा मैं कर नहीं सका। और दूसरा, बारिश बहुत तेज़ थी, इस वजह से मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि मुख्तसर टाइम में मैं इसको ज़्यादा एलैबोरेट कर सकूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। और जो मेरे दोस्त इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू सो वेरी मच। चलें जी अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि ये कितनी टाइप का वीज़ा आप इजीली ले सकते हो, किस तरह ले सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। स्टूडेंट्स, एज आपकी 25 ईयर से नीचे होनी चाहिए, डिग्री में अप्लाई कीजिए, फ़ीस आपको एडवांस में पे करनी पड़ेगी, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बेसिक आनी चाहिए, आईलेट्स मस्ट नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। चाहे आप फाउंडेशन कोर्स में दाखला लें, आपको दाखला मिल जाएगा, उसके लिए इनविटेशन। इनविटेशन कैसे लेनी है, इनविटेशन आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं देगा, डायरेक्ट आपसे डील नहीं कर रहे आप वो आपको वहाँ पे कोई कंसल्टेंसी ढूंढनी पड़ेगी या किसी कंसल्टेंट का नंबर लेना पड़ेगा। अगर आपके पास है दी बेस्ट है, नहीं है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। कंसल्टेंट आपसे थोड़ी फीस लेगा, वो जितनी भी होगी आप उनसे डायरेक्ट बात करिए, लेकिन आपको इनविटेशन ले देगा, आपका दाखिला हो जाएगा। इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। दूसरी बात है बिज़नेस, बिज़नेस आपको डी इनविटेशन चाहिए वहाँ की, कोई लोकल मल्डोवियन आपको दे तो वो आपको डी इनविटेशन आपको दे देंगे। तो आप वहाँ पे जाके अपनी कंपनी खोलिए, कंपनी में तकरीबन 3,500 से 5,000 आपके एक्सपेंस आपका आ जाएगा। तो
अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, नॉन ईयू हो लेकिन आपको कोई इनविटेशन नहीं दे रहा, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप बिज़नेस की टाइप बताइए, मैं आपको तीन टाइप के बिज़नेस बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे उसका स्कोप बहुत अच्छा है, आईटी का, ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस, और तीसरा है फूड का बिज़नेस, वहाँ पे बहुत बेहतरीन है अगर आप करना चाहते हो, स्पेशली कैशनाऊ में, उसके कैपिटल में। तो उसका ये तरीकाकार है। अगर या फिर कोई आपका दोस्त या भाई या कोई रिश्तेदार वहाँ पे हो यूरोप में जिसके पास पासपोर्ट हो, वो कंपनी खोल के आपको इनविटेशन दे सकता है। उसके लिए आपको फिज़िकल बिज़नेस खोलना पड़ेगा। 10 साल पहले ऐसा चक्कर नहीं था, 7-8 साल पहले वहाँ पे आप सिर्फ पेपरों में, आप कागजात में खोलते थे कंपनी तो आप इनविटेशन दे देते थे, लेकिन अभी नहीं, आपको इनविटेशन के लिए फिज़िकल बिज़नेस शो करना पड़ेगा, तो फिर वो देंगे। अच्छा, दूसरी जो थी रिक्रूटमेंट कंपनीज, मैंने उनसे पता किया, वो कोई वहाँ पे एक सॉलिसिटर ना वो रन कर रहे हैं रिक्रूटमेंट कंपनी, उन्होंने कहा कि नॉन ईयू नेशनल को वीज़े मिल रहे हैं, और वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, कहता यार यहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली या ये जितने भी नॉन ईयू नेशनल वो आते हैं यहाँ का वीज़ा लेकर और भाग जाते हैं, रोमानिया चले जाते हैं, रोमानिया से आगे भाग जाते हैं, या जो भी वो डंकी का प्रोग्राम जो भी है। तो अगर मैं आपको वैसे रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आप जेन्युइनली वहाँ पर रुको एक साल मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया आपसे, 6 माह से ऊपर, 1 साल से नीचे अगर आप रुक जाओ वहाँ पे, आपको इजीली वीज़ा शेंगेन वैसे ही मिल जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ गारंटी के साथ। दूसरा, एनीवे उसकी थोड़ी बहुत जो भी आपको वीज़ा देगा पाकिस्तानी को, इंडियन को, वो थोड़ी अब सिक्योरिटी अपनी मांगेगा कि आप भाई वहाँ से भागोगे तो नहीं। वो सिक्योरिटी किस किस्म की है आई डोंट नो, कुड बी दे विल, वो आपको से कहेंगे कि आप थोड़े बहुत बैंक में पैसे रखो, या आपसे कोई डील साइन करवाएंगे कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बगैर आप जा नहीं सकते। क्यों? उसमें दो खतरात हैं आपके लिए, तो चलो आप तो भाग गए वहाँ पे, कंपनी भी वो ब्लैकलिस्ट कर देंगे, और जिस आदमी का वो बिज़नेस होगा वो उसका बिज़नेस भी तबाह हो जाएगा। तो प्लीज़ ये ख्याल रखिएगा, अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो नॉन ईयू नेशनल वर्क परमिट का, तो वो प्लीज़ मुझसे रابطہ करें, मुझे टेक्स्ट करिएगा, या अपना नंबर आप व्हाट्सएप नंबर अपना कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, तो मैं आपको इंशाल्लाह सही मशवरा आपको दूंगा। तो आपको अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भी दे दूंगा, अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है, बिज़नेस वहाँ पे शुरू हो जाता है 12 से 15 हज़ार के बीच में शुरू हो जाता है, यूरो की बात करना हो जाता है। तो आप बिज़नेस करो वहाँ पे, मतलब अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है लेकिन आप बिज़नेस करना चाहते हो, किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, तो आप ज़रूर मुझसे रابطہ कीजिए, मैं आपकी बिज़नेस पार्टनरशिप करवा दूंगा किसी लोकल से या किसी यूरोपियन से जो ऑलरेडी वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये मैंने बता दिया 15 हज़ार, 12 से 15 हज़ार के दरमियान, तो आपको हाफ देना पड़ेगा, आपको इनविटेशन आएगा, आप बिज़नेस करो जाके वहाँ पे। दूसरा जो है मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि पिज़्ज़ा शेफ़ जो है, अगर कोई जाना चाहता है वहाँ पे नॉन इंटरनेशनल, आपको पिज़्ज़ा का काम आना चाहिए, फास्ट फूड का, कबाब्स का काम आना चाहिए, या कोई करी शेफ़ भी है आपको काम आना चाहिए। फिर वो ड्राइवर को वीज़ा दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनको वीज़ा दे रहे हैं, तो अगर आपको ड्राइविंग आनी चाहिए वहाँ पे। एक चीज़ है कि अगर आपको ड्राइविंग सही आती है, आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, आप वहाँ पे जाके चेंज करवा सकते हो इंटरनेशनल लाइसेंस, वो मोल्डोवियन आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात ये थी कि ये आपने सुना होगा कि ये मोल्डोवा जो है वो यूरोपीय यूनियन ज्वाइन कर लेगा बहुत जल्द, बहुत जल्द से मीन मेरा है 2-3 साल में, 2026 तक ये यूरोपीय यूनियन ज्वाइन कर लेगा। अगर ये यूरोपीय यूनियन ज्वाइन कर लेता है, विद इन 3 ईयर इट कुड बी बिकम अ पार्ट ऑफ शेंगेन, ये शेंगेन भी आ जाएगा, क्योंकि रोमानिया आ गया तो ये भी आ जाएगा, कि इनका बॉर्डर भी कॉमन है।
तो दोस्तों अगर किसी किस्म की आपको मल्डोवा के लिए, वीज़ा के लिए, बिज़नेस के लिए, स्टडी के लिए आपको किसी किस्म का मशवरा चाहिए या हेल्प चाहिए, प्लीज़ मैं आपको नंबर भी अपना दे देता हूँ, नीचे मैं चला दूँगा, आप देख लीजिए, तो मुझे या कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये वीडियो देखने का शुक्रिया, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में, अल्लाह।